हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आई एम ऋतु। लेट्स स्टार्ट टुडेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक मैटरनल हेल्थ नर्सिंग। ऑल द प्रीवियस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोज लिंक आर प्रोवाइडेड ऑन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन चेक आउट देयर। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पीडीए न्यूबॉर्न इन्फेंट। पीडीए वाले न्यूबॉर्न में पीडीए के इलाज हेतु निम्न में से कौन सी ड्रग्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए डिजिजिन, बी प्रेडिनिसोन, सी फ्यूरोसेमाइड और डी इंडोमेथिसिन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी विच इज इंडोमेथिसिन। पीडीए के फुल फॉर्म जैसा कि आप सब जानते हैं पैटन डचेस आर्ट्रियोसिस होती है। यह एक एसाइनोटिक हर्ट डिजीज़ या डिफेक्ट होता है। इसमें पल्मोनरी आर्टरी व अरोटा से जुड़ने वाली आर्टरी विच इज डक्टस आर्ट्रियोसिस बंद नहीं होती है। इसके इलाज हेतु मतलब इसको बंद करने के लिए मुख्यतः इंडोमेथिसिन ड्रग को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे डाइगोसिन की बात करें या फिर फ्यूरोसिमाइड ड्रग्स की बात करें तो इसका जो उपयोग है केवल इस डिफेक्ट के सिम्टम्स के इलाज हेतु किया जाता है। मतलब ये जो ड्रग है वो पीडीए को क्लोज नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज यूज टू प्रिवेंट ऑप्थेल्मिया नियोनेटेटम। निम्न में से कौन सी मेडिकेशन का उपयोग ऑप्थेल्मिया नियोनेटेटम की रोकथाम यानी प्रिवेंशन के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए नियोमाइसिन ऑप्थेल्मिक आई ऑइंटमेंट, बी पेनिसिलिन ऑप्थेल्मिक आई ऑइंटमेंट, सी इरिथ्रोमाइसिन ऑप्थेल्मिक आई ऑइंटमेंट और डी विटामिन के इंजेक्शन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी विच इज इरिथ्रोमाइसिन ऑप्थेल्मिक आई ऑइंटमेंट। ऑप्थेल्मिक इरिथ्रोमाइसिन ये जो होती है ये 0.5% ऑइंटमेंट एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है जो कि नाइजेरिया गोनोरिया या फिर क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस के लिए प्रभावी होती है। इस कारण इसको ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम को बचाव हेतु उपयोग में किया जाता है। सामान्यतः अगर हम यहाँ पे विटामिन के की बात करें तो इसका उपयोग मुख्यतः न्यूबॉर्न में अबनॉर्मल ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन आफ्टर द वॉमिटिंग इफ द इन्फेंट इज सफरिंग फ्रॉम द पाइलोरिक स्टेनोसिस। एक पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले नवजात शिशु के लिए वॉमिटिंग के दौरान व बाद में निम्न में से कौन सी पोजीशन जो है वो सर्वाधिक होगी मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट होगी? आपके ऑप्शंस हैं ए टॉकिंग वाइटल साइंस एवरी 8 आवर्स, बी पोजीशनिंग द इन्फेंट ऑन हिज राइट साइड, सी वेइंग द इन्फेंट एवरी 12 आवर्स और डी प्लेसिंग द इन्फेंट ऑन हिज बैक टू स्लीप। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी विच इज पोजिशनिंग द इन्फेंट ऑन हिज राइट साइड। पाइलोरिक स्टेनोसिस के नवजात शिशु में वॉमिटिंग के दौरान एस्पिरेशन मतलब एयर एस्पिरेशन होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। नर्स को इन्फेंट को वॉमिटिंग करने के दौरान व बाद में राइट साइड पोजीशन देनी चाहिए ताकि एयर एस्पिरेशन होने का खतरा ना रहे। बाकी वाले जो सारी इंटरवेंशन है इस कंडीशन में इस इन्फेंट के लिए लेस प्रायोरिटी वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग इन अ पोस्टमार्टम मदर इंडिकेटिंग टू यूटेराइन इन्फेक्शंस। निम्न में से कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग्स के द्वारा पोस्टमार्टम मदर में यूटेराइन इन्फेक्शन का पता चलता है? आपके ऑप्शंस हैं ए पेन एट द साइट ऑफ एपिस्टोमी, बी फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज, सी क्रैम्पिंग इन द लोअर एब्डोमेन और डी डार्क ब्राउन डिस्चार्ज फ्रॉम द वजाइना। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी विच इज फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज।
पोस्टपार्टम मदर में वेजाइनल से बदबूदार गंध वाला डिस्चार्ज होना यूटराइन इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है और ऐसी कंडीशन में जल्द ही इंटरवेंशन की आवश्यकता होती है। सामान्यतः एपिओस्टोमी की साइट जब तक हील नहीं होती है तब तक पेन होना भी नॉर्मल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज इज कंसिडर्ड नॉर्मल इन द अर्ली पोस्टपार्टम पीरियड। Your options are A. Increased motility of the GI system, B. Rapid diuresis, C. Urinary urgency and dysuria, or D. Decreased BP. And the correct option is option number B, which is rapid diuresis. पोस्टपार्टम पीरियड के शुरुआती तौर पर महिला में रैपिड डायूरेसिस की शिकायत हो जाती है। इसका मुख्यतः कारण ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का इंक्रीज होना होता है। बाकी वाली जो शेष क्लिनिकल फाइंडिंग है वो मुख्यतः अर्ली पोस्टपार्टम पीरियड में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट्स द फीटल डिस्ट्रेस। निम्न में से कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग के द्वारा फीटल डिस्ट्रेस का पता चलता है। आपके ऑप्शंस हैं ए एसिलरेशन ऑफ एफ एच आर विद कॉन्ट्रैक्शंस, बी एफ एच आर विच इज इक्वल्स टू 144 बीट्स पर मिनट, सी फीटल स्कैल्प पीएच 7.14 और डी प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग टर्म वेरिएबिलिटी। And the correct option is option number C, which is fetal scalp pH, which is equals to 7.14. pH का मान 7.14 से नीचे होने पर एसिडोसिस को इंडिकेट करते हैं। यदि फीटल स्कैल्प का जो pH है उसका मान 7.14 प्राप्त होता है तो फीटल हाइपोक्सिया को इंडिकेट कर रहा है। इससे फीटल डिस्ट्रेस का पता चलता है। सेस वाली जो सारी फाइंडिंग्स हैं वो एक हेल्दी फीटस की डिलीवरी के लिए नॉर्मल फाइंडिंग्स मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ सेस विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज इन लेबर इन विच सर्विकल डायलेशन इज मोस्टली हाई। लेबर की फर्स्ट स्टेज की निम्न में से कौन सी फेज में सर्विकल डायलेशन सबसे ज़्यादा तेजी से होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए ट्रांजिशन फेज, बी लैटेंट फेज, सी प्रेपरेटरी फेज और डी एक्टिव फेज। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी विच इज एक्टिव फेज। अगर हम यहाँ पर लेबर की स्टेजेस की बात करें तो अगर हम अभी फर्स्ट स्टेज की बात करें तो वो होगी लैटेंट फेज। इसमें यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ प्रारंभ होती है, मतलब ये जो लैटेंट फेज है वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ प्रारंभ हो जाती है और लगभग 3 सेंटीमीटर सर्विकल डायलेशन होने तक समाप्त हो जाती है। इसके बाद अगर हम सेकेंड की बात करें तो फिर आएगी एक्टिव फेज। ये वाली जो फेज है ये 4 से 7 सेंटीमीटर तक डायलेशन की अवस्था में, इसको हम एक्टिव फेज बोल देंगे। और अगर यहाँ पे हम थर्ड की बात करें विच इज़ ट्रांजिशन फेज, और ये वाली जो अवस्था आएगी इसमें जो सर्विकल डायलेशन है वो होगा 8 से 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द थिनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द सर्विक्स दैट अकर्स जस्ट बिफोर एंड ड्यूरिंग लेबर। योर ऑप्शंस आर ए इफेसमेंट, B dilation, C ballotment और D multiparous। And the correct option is option number A, which is effacement। अगर हम यहाँ पे effacement की बात करें तो इसका मतलब होता है प्रसव के दौरान भ्रूण का मार्ग बनाने के लिए सर्विक्स का विस्तारित हो जाना होता है। और अगर हम यहाँ पे ballotment इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है शरीर में तैरते किसी वस्तु का पता लगाने वाला परीक्षण की विधि होती है जो कि विशेषकर प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए उपयोग में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग थ्रू विच वर्शनिंग कंडीशन ऑफ प्री एक्लेम्शिया इज इंडिकेटेड
इफ अ प्रेग्नेंट लेडी इज सफरिंग फ्रॉम माइल्ड प्री एक्लेम्शिया, एक माइल्ड प्री एक्लेम्शिया से ग्रहस्त गर्भवती महिला में निम्न में से कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग्स के द्वारा प्री एक्लेम्शिया की वर्शनिंग कंडीशन का पता चलता है? आपके ऑप्शंस हैं ए, ब्लड प्रेशर रीडिंग इज एट द प्रीनेटल बेसलाइन, बी, डिपेंडेंट एडिमा हैज रिसॉल्व्ड, सी, द व्यूमन कंप्लेन्स ऑफ द हेडेक एंड ब्लड विजन, और डी, यूरिनरी आउटपुट हैज इंक्रीज्ड। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी विच इज द वुमेन कंप्लेन्स ऑफ अ हेडेक एंड ब्लड विजन। यदि गर्भवती महिला हेडेक व ब्लड विजन की कंप्लेन करती है तो फिजिशियन को दिखाना यानी इन्फॉर्म करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये वाले जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं ये मुख्यतः प्री एक्लेम्शिया के वर्सनिंग साइन होते हैं और इसके बाद महिला में एक्लेम्शिया की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन वुड द नर्स रिकमेंड टू अ वुमेन हैविंग सीवियर हार्ट बर्न ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। योर ऑप्शंस आर ए, ड्रिंक ऑरेंज जूस फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द डे, बी, ईट क्रैकर्स ऑन वॉकिंग एवरी 12 आवर्स, सी, ईट सेवरल स्मॉल मील्स डेली, और डी, ड्रिंक अ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट एंड विनेगर। And the correct option is option number C, which is eat several small meals daily. बार बार थोड़ा थोड़ा खाना, खाने से इसोफेजल स्प्रिंक्टर पर कम दबाव पड़ता है, इससे रिगिटेशन की जो संभावना है वो कम होती है और हार्ट बर्न की जो शिकायत है वो भी कम हो जाती है। Okay nurses, so that is all for today's video. Hope you all like it. If you like it, hit the like button, share and subscribe to our YouTube channel for nurses preparation. And don't forget to follow us on other social media platform. All the links are provided on our description box below. Thanks for watching. I'll see you tomorrow.